हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज है आपका जावा का लेक्चर 9। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। क्लियर? पहले हमने डिस्कस कर लिया है आपका इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, देन हमने डिस्कस किया था स्विच स्टेटमेंट। ओके, एंड देन लूप के बारे में, व्हाइल एंड डू व्हाइल। आज हमारा है लूप, फॉर लूप। क्लियर? तो आज हम देखेंगे कि फॉर लूप में कैसे प्रिंट होता है। इसके पहले मैं बता दूं कि फॉर लूप में, हल्का सा बता दूं थोड़ा सा होता क्या है। फॉर लूप में हम सारा स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखते हैं। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू कैसे लिखते हैं और होता क्या है, इसमें प्रिंट कैसे होता है। तो हमने लीजिए यह लिख दिया फॉर। अब हमने स्टेटमेंट दिया, यही मेरा जो स्टेटमेंट डेटा टाइप हो गया इंटीजर। ओके, और इंटीजर का मेरा वेरिएबल नेम क्या हो गया, मेरा n1। ओके, अब n1 मेरा क्या है, इक्वल टू 0। एक बात और, यह हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगेगा, ठीक है। अब मैं दूंगा यह दूसरा स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या होगा, मेरा n1 क्या है, लेस देन 10। पहले जैसे कर देते थे वैसे ही होगा, पर थोड़ा सा चेंज होगा प्रोग्राम की। वहां पहले स्टेटमेंट अलग अलग था और यहाँ सारा स्टेटमेंट एक साथ होगा। पहले भी हम लिखा करते थे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ n2 इक्वल टू 0, फिर उसका देते थे n2 ग्रेटर देन 100, व्हाटएवर जो भी कुछ देते थे, उसी तरह जा रहा है। यहाँ लिखते थे, आप देखिएगा, यहाँ क्या मेरा n1 इक्वल टू 2 है, तो n1 इक्वल टू 0, n1 लेस देन 31, तो n1 लेस देन 10। अब क्या मेरा प्रिंट कैसे होता था, तो उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट करता था, यहाँ भी वैल्यू हम इंक्रीमेंट करा देते हैं। तो n1 मेरा क्या हो गया, प्लस प्लस। अब मुझे प्रिंट कराना है, तो चलिए भैया प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए वही अपना एस आउट। यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ आज मैं नया कीवर्ड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अच्छे से बने रहिए और देखिए कि वो नया कीवर्ड है क्या। क्लियर? चलिए इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। आपको याद होगा हम पिछले वीडियो में ब्रेक के बारे में डिस्कस किए थे पहले, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये मेरा प्रिंट हो गया 0 to 9। देखिए यहाँ हुआ क्या, आपको पहले ये स्टेटमेंट समझा दूं, यहाँ वो क्या रहा है आखिर। अब देखिए मेरा n1 इक्वल टू 0 है, int n1 इक्वल टू 0, तो ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि ये एग्जीक्यूट कर दिया, ये फॉर लूप को चला दिया, ठीक है। अब यहाँ आकर क्या हो रहा है, n1 लेस देन 10। अब ये तो चलने के बाद यहाँ चेक हो रहा है, तो n1 मेरा 0 है, फॉर लूप इसे चला दिया। अब n1 इक्वल टू 0 यहाँ चेक कर रहा है कि क्या 0 लेस देन 10 है, तो हाँ भाई 10 है, तो चलो भाई 10 है, तो इसको रन कराते हैं और प्रिंट कराते हैं। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हर इटरेशन के बाद रन होगा, ठीक है ना। रन होने के बाद ये फिर से उसी तरह चेक होता रहेगा, फिर यहाँ पर प्रिंट करा देगा अगर ये सही है तो। यहाँ अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ही आगे आपका प्रोग्राम जाएगा और ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सेम चीज रिपीट होगा। अब यहाँ n1 पहले 0 था, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर अब 1 से इसको चेक करेगा कि 1 लेस देन 10 है, तो हाँ भाई लेस देन 10 है, तो चलो भाई इसको भी एग्जीक्यूट कराते हैं। फिर इसको भी एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर ऐसे ही आपका यहाँ क्या होगा, फिर से n1, पहले n1 इक्वल टू 0 था, फिर 1 हुआ, फिर यहाँ n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 2 होने के बाद फिर 2 को चेक करेगा, लेस देन 10 है, हाँ 10 है, तो चलो भाई इसको भी एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कराकर प्रिंट कराते हैं। यही आपका केस तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा। फॉल्स जैसे ही होगा तो वहीं पर कंडीशन रुक जाएगा। फॉल्स कब होगा, देखिए 9 तक तो ठीक है, 9 लेस देन 10 है, तो प्रिंट करा दी। जैसे ही ये 10 होगा तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और वहीं पर प्रिंट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ मैं पहले भी ब्रेक डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका स्विच स्टेटमेंट में डिस्कस हुआ था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं ब्रेक में क्या होता है। वैसे फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ ब्रेक के बारे में। क्लियर? चलिए हम ब्रेक को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरा प्रोग्राम है, अगर इसमें ब्रेक लगा दी तो क्या होगा, अगर जिसने वीडियो देखा है तो उसको पता था कि ब्रेक के बारे में क्या होता है। तो ब्रेक होता है तो क्या होता है, कंडीशन एग्जीक्यूट होते ही क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, वहीं से बाहर निकल जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, अब ब्रेक लगने के बाद क्या होगा कि जहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ वहीं से आउट हो जाएगा, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या हुआ, सिर्फ 0 प्रिंट हुआ, n1 मेरा 0 था तो 0 प्रिंट हुआ। अब 0 प्रिंट होते हैं, 0 सेटिस्फाइड हुआ और यहाँ ब्रेक लग गया, तो ये कंडीशन वहीं सेटिस्फाइड होने के बाद यहाँ से आउट हो गया, अब उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये रहा ब्रेक का काम। चलिए और अच्छे से ब्रेक को यूज करके देखते हैं कि आखिर ब्रेक में हो क्या रहा है,
ठीक है, तो इस कोड को मैं यहां से हटाता हूं और ब्रेक के लिए फिर से कोड लिखता हूं। क्लियर। अब यहां मैंने कंडीशन लगा दिया इफ। अब मेरा इफ यहां, तो अब हम यहां देते हैं n1 पे कंडीशन। अब n1 मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन 2। क्लियर। अब चलिए यहां हमने लगा दिया कर्ली ब्रेसेस और इसमें लगा दिया ब्रेक। अब देखते हैं कि यहां ब्रेक लगाने के बाद क्या मुझे रिजल्ट देगा ये। ठीक, तो यहां मेरा लगा ब्रेक। अब इसे प्रिंट कराना होगा, तो प्रिंट कराने के लिए चलिए इस लगाते हैं। यहां ब्रेक लग गया, नहीं तो इस लग गया मेरा ये, और यहां अपना साउंड। और अपना वही n1। क्लियर। आई होप आप प्रोग्राम के साथ बने और अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये क्या कहता है। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या रिजल्ट देता है, यहाँ ब्रेक लगाने का क्या हुआ, किस तरह से आउट होगा। मैं आपको बताऊं कि जहां ब्रेक लग जाता है वहीं से कंडीशन क्या होता है, आउट हो जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक कंडीशन दिया है इफ n1 ग्रेटर देन 2, उसके बाद लग गया ब्रेक। अब n1 मेरा जैसे ही ग्रेटर देन 2 हुआ, ठीक है, n1 मेरा 2 था तो ठीक है, n1 जैसे ही ग्रेटर देन 2 होगा तो वहां लग जाएगा ब्रेक और उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इटरेशन वही मेरा रुक जाएगा और आगे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए मेरा 0 1 2 तो प्रिंट हुआ क्योंकि मेरा 2 तक कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन जैसे ही n1 ग्रेटर देन 2 हुआ तो मेरा वहीं से आउट हो गया और कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। चलिए ये तो कोई खास एग्जाम्पल नहीं रहा, आगे और भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। एक और मेरा कीवर्ड है, वो है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं, ब्रेक तो क्लियर होगा, ब्रेक दिमाग में रखिएगा। ब्रेक का मतलब ये होता है कि कंडीशन वहीं से आउट हो जाता है, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वहां से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यूज करूं कंटिन्यू, तो कंटिन्यू में क्या होगा, तो चलिए कंटिन्यू के लिए कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, अब यहां मैं कर देता हूं, इसको कोई भी वैल्यू दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं n1 इक्वल टू दे देता हूं 4 इक्वल टू। देखिए आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये इक्वल टू मैं डबल दिया हूं, या तो हम लोग सिंगल जो मैथ्स में पढ़े वो सिंगल होता है, या मैं डबल दिया हूं। तो डबल और सिंगल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब होता है इक्वल टू और सिंगल है तो मतलब कि वैल्यू असाइन करते हैं। आप पहले का वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, मैं अच्छे से क्लियर किया हूं इसे भी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यू के बारे में कि कंटिन्यू में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहां मैं लिख दिया कंटिन्यू। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब इसमें ये आपका हट जाएगा, इफ इल्स हटा देते हैं। ठीक है, लीजिए इफ इल्स मेरा हट गया। अब देखते हैं कि अब ये क्या करता है। चलिए इसको रन कराइए। अब कंटिन्यू किस तरह यूज होता है उसको भी आज देख लेते हैं। ये मेरा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये क्यों नहीं रन किया, अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमें यूज करना है कंटिन्यू। इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो चलिए जी इसको प्रिंट कराते हैं अपना वही एंड देन n1। चलिए ये क्या कहता है देख लीजिए। अब यहां क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, ये मेरे कहता है 0 1 2 3, यहाँ 4 है ही नहीं, 5 6 7 8 10, मतलब सारा प्रिंट हुआ और 4 प्रिंट नहीं हुआ। तो कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ये है कि अगर हमें इटरेशन कहीं से क्या करना है, वहीं से स्किप करना है,
मतलब कि जो मेरा यह n1 इक्वल टू 4 है, यहां मुझे कोई यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है, इसके बाद का मुझे सारा प्रिंट कराना है, इसके पहले का कराना है। मतलब आपको कोई प्रोग्राम दे दिया जाए और बोला जाए कि इस चीज को प्रिंट नहीं करना है, बाकी सब प्रिंट करना है, तो वहां क्या कीजिएगा, आप वहां कंटिन्यू यूज कर दीजिएगा। मतलब जिस चीज को प्रिंट नहीं कराना होगा उसके लिए आप ये लिखिएगा प्रोग्राम, इफ n1 इक्वल टू 4, चाहे n1 इक्वल टू जो भी आपको इंटीजर लिखना है वो, और कंटिन्यू लगा दीजिएगा, तो उसके लिए क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बाकी सबके लिए एग्जीक्यूट करेगा। वहीं पर हुआ, अगर बीच में किसी भी इटरेशन को स्किप करना हो तो वो स्किप हो जाएगा, बाकी सारा प्रिंट होगा। तो यही है आपका कंटिन्यू का यूज। एक बार फिर से बता दूं, कंटिन्यू इटरेशन को स्किप करने के लिए होता है और ब्रेक कंडीशन से वहीं से आउट हो जाने के लिए होता है। तो चलिए, आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ, अगले में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है।